हेलो एवरीवन। और आज के मैच में ओडिशा एफसी वर्सेस मुंबई सिटी के जो मैच है, बाय द वे ये गेम तो कल से तो काफ़ी अच्छा था भाई। इट वाज अ डल गेम जो हमने कल देखा। एंड मतलब तुम मैच स्टैट्स में तुम मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाद में। तुम यहाँ पर बाय द वे तुम देख ही रहो, बाद में क्या दिखाऊँ। या तुम देखो भाई यहाँ पर कि लाइक पीपीडीए का नंबर तुम देखो, नंबर्स में अभी नहीं जाते। रुको 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 रुको, कैसे बता दूँ। भाई मैं फिर से यहाँ पर नीचे एकदम राइट में, हाँ देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तो राइट में मैं वापस में आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेड मतलब मैं ये देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि भाई बिकॉज ऑफ द ऑफिस वर्क एंड वगैरह वगैरह ट्रैवलिंग वगैरह की वजह से 55 मिनट के बाद मैंने मैच देखना स्टार्ट किया। फिर बाद में थोड़ा सा हाईलाइट्स देखना जहाँ जहाँ से, इंस्टाग्राम से, यू नो जियो सिनेमा से, जहाँ जहाँ से हाईलाइट देख के ये जो इन्फॉर्मेशन मैच की क्या हुआ वो पता। उसके बाद हम डेटा को रीड करके, ये बेस्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एनालिसिस दे पाऊँ उस पर। तो यहाँ पर कंट्रोल से मैं पर देख लो तुम, यहाँ पर ओडिशा एफसी के कुछ हाई पॉइंट्स आए जो मैं दिख रहा है। तो एक बिल्डिंग से दिख रही है जो पर्पल वाली, और मुंबई सिटी के तो एक स्टेडी कंट्रोल था उस मैच में। फिर स्टेडी कंट्रोल से अच्छी अच्छी बॉल निकाल के वो, तो आई थिंक क्या यहाँ पर हमें पोजिशन से तो पता चली गया था कि मुंबई सिटी पर ज़्यादा होगी। ये क्या था भाई, ये जो भाई ये गोल था, ये मतलब कीपर कितना गंदा हाउलर था भाई यार। ये व्हाट वाज दैट यार, व्हाट वाज दैट भाई। एनीवे यहाँ पर ये जो बेस्ट गोल ऑफ द मैच मुझे ये लगा पेरियरा का भाई। लाइक इट वाज अ वेल वर्क गोल भाई। ये जो गोल देख के मुझे काफ़ी मज़ा आया। नाउ मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि शॉट्स की जो इंटेंसिटी थी, ना होते हुए भी ओडिशा के पास इतनी नहीं बॉल है, लेकिन फिर भी मैं डेंसिटी इस डेंसिटी से देखो, 1 2 3 4 5 6 डेंसिटी मतलब 6 कहते हैं शॉट से भी तुम दो गोल निकाल पा रहे हो। हाँ, एक कीपर का हॉलर भी हो गया और एक पेनल्टी हो गई बाय द वे। एनीवे पेनल्टी का एक जो था, लेकिन फिर भी यू ब्रॉट द रिजल्ट। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब, ओडिशा एफसी को देख के भाई प्लीज़। एनीवे मुंबई सिटी के भाई मैं तारीफ मतलब तारीफ के पुल वगैरह वगैरह जो भी मुझे बांध नहीं पाऊंगा, लेकिन दे हैड अ कंट्रोल, यू नो दे हैव द बॉल मोर। ओडिशा एफ सी को देखो, पीछे से काफ़ी गेम चला रहे हैं, राइट साइड से ज़्यादा बॉल डालने की कोशिश है। और ये जो ये जोन है, इस जोन में मतलब जोन क्या बोलें, ये पूरा एरिया ही बोल दो ना, ये वाला एरिया देखे इसमें कंट्रोल मतलब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर बॉल जा ही नहीं रही है। वाई नो इट इज़ नॉट गविंग, इट्स लाइक दे आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक देन दे आर ओनली गिविंग टू द राइट ओनली। जैसे हम तुम यहाँ पर तुम देखो, यस दे आर डूइंग दैट। तो यहाँ पर तुम देखो कि यही वही चीज़ कर रहे हैं, राइट साइड से एक अप्रोच वाला फुटबॉल मुझे देख मतलब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जितना मैंने देखा उसमें। यहाँ पर हम बात करें ओडिशा एफसी के कंट्रोल ऑफ द मैच की, तो पहले 30 मिनट में तो ये देखो आई थिंक इट्स वॉज अ डिसेंट गेम। हाँ, फिर भी अटैकिंग थर्ड में ज़्यादा, ये देखो पूरा उन्होंने स्टार्टिंग से ही राइट साइड से कर दिया अटैकिंग थर्ड में ज़्यादा, और वैसे ये देखा जाए तो यहाँ से इन्होंने लेफ्ट साइड से ज़्यादा कर दिया है। तो ओके 50, लेकिन फिर देन गेम टूट जाता है 32-47 के बाद, मतलब 32-47 के बाद। यहाँ पर तुम देख रहे हो क्योंकि बीच में दो मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होता है, इसलिए शायद वो है। तो यहाँ पर 32 मिनट से वापस स्टार्ट होता है, और फिर ओडिशा एफसी अपना कंट्रोल खो देती है बॉल पे। आफ्टर हाफ टाइम यहाँ पर तुम देख रहे हो वापस वो अप्रोच आने स्टार्ट हो जाती है ओडिशा एफसी की, बट लेकिन मुंबई सिटी काफ़ी कंट्रोल कर चुकी होती है। एंड देन फाइनल में तो तुम देख रही हो, फाइनल के 30 मिनट्स में तुम देख 30-40 मिनट में तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। तो ये राइट साइड से हमने बोल दिया, लेकिन यहाँ पर मुंबई सिटी का पूरा भाई कंट्रोल। यहाँ पर आकाश मिश्रा खेलता है, लेफ्ट टू राइट इसको पढ़ते हैं भाई, बाय द वे जिसको नहीं पता, तो आकाश मिश्रा यहाँ पर खेलता है। एंड देन कंट्रोल यहाँ पर अच्छा भाई, मिडिल थर्ड पे पूरा कंट्रोल तुम देख रहे हो। पासिंग नेटवर्क की बात आते हैं, तो ये जो पासिंग नेटवर्क ये इतना कॉम्पैक्ट मतलब ये कंसिस्टेंट मतलब कंजस्टेड क्यों है, नॉट कंसिस्टेंट कंजस्टेड क्यों है ये चारों का, इन चारों का ओडिशा एफसी का, कोई मुझे बताएगा कमेंट में प्लीज़ बताना। लाइक ये तो चारों तो बीच में इतना क्यों खेल रहे हैं, तो पूरा मैच मैं नहीं देख पाया ऑब्वियस, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये है, दिस इज़ अ गुड पासिंग नेटवर्क भाई चांग, मतलब लाइक सबको अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। यहाँ पर तुम देखो डियास को चांगटे से बॉल ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन फिर भी डियास को काफ़ी डिलीवरीज मिल रही है। तो यस इट वाज अ गुड वन फॉर मुंबई सिटी। यहाँ पर ओडिशा एफसी के हम देखें तो बेस्ट इनका गेम चला 45-60 मिनट पे, जो कि इट इज़ शोइंग। और ये भी मैं कहूँ, चलो ये भी बेस्ट गेम चला, यहाँ तो पूरा एक वेब सा बन गया यहाँ पर। लेकिन अब तुम कंपेयर करोगे मुंबई सिटी से, तो बॉल प्लेइंग का उनका पूरा ये है। तो क्या कर रही थी ओडिशा एफसी भाई, बॉल और पीछे बैठी हुई थी, डिफेंस कर रही थी, लो ब्लॉक खेल रही थी, जो कि तुम देख रहे हो टॉप टू बॉटम हम देखें तो प्रेशर यहाँ दिया पीछे दिया, लेकिन ऑन द होल देखें तो ओडिशा एफसी का सबसे ज़्यादा प्रेशर आगे की थर्ड पर गया। लेकिन यहाँ फुल व्यू में देखोगे तो ये टॉप टू बॉटम पड़ती है अगेन इसको, तो इस साइड पर ज़्यादा प्रेशर दिया।
जो कि प्रेशर है, लेकिन डिफेंस अगर हम देखें लाइक बॉल रिकवरी देख रहे हो तुमने सबसे ज़्यादा देखो इनकी लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं इसको, तो बॉल रिकवरी इनके यहाँ पर ऐसी है और मुंबई सिटी की मिडिल थर्ड पे है और यहाँ पर सीधे सीधे सब कुछ खत्म हो जाता है कि मुंबई ओडिशा एफ सी का डिफेंस देखो अपने हाफ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट, तो दे आर प्लेइंग द लो ब्लॉक तुम्हें पता है, लेकिन मैं कहूँगा नॉट लो ब्लॉक, नॉट डैट लो ब्लॉक, एक लो ब्लॉक होता है कि अगर होता तो यहाँ पर लाइक डिफेंसिव थर्ड पे बहुत ज़्यादा डॉट्स दिखाई देते हैं यार तुम्हें, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मिडिल थर्ड पे तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लिटल हायर देन लो ब्लॉक या फिर मिड ब्लॉक का थोड़ा पीछे बस इतना मिड मतलब बीच बीच में। मुंबई सिटी का तो है जोन 14 मतलब सॉरी जोन 14 पासिस इन फाइनल थर्ड, एंट्रीज वाला कहाँ गया लगता निकल गया, जोन 14 से यहाँ देखो भाई तीन अच्छे पास निकाले हैं लाइक चलो ठीक है अच्छे पास निकाले, एक तो डायरेक्ट बॉल निकल दो एक निकालने को कोशिश अच्छा करी हुई है लेकिन वो ख़राब चली गई, लेकिन ये दो हाफ स्पेस से पास देखो भाई एंड देन इसके राइट लेफ्ट वाले से देखो, तो भाई मुंबई वर्ल्ड क्लियरली यूजिंग द बॉल वेल, प्रोग्रेसिव पास इन पेनल्टी एरिया रिसीव्ड, तो यहाँ पर ये है मुंबई सिटी के भाई चांगटे, इट्स ऑल चांगटेज वर्क भाई, और मे बी जो राइट बैक था वो भी, बट यस यू नो डैट कि वही क्या अच्छा गेम है, इट्स लाइक फ्लूइड फुटबॉल। अब तुम बोलोगे भाई तुम तो ये डेटा लेके बस तुम एक काइंड ऑफ बता रहे हो, एक पीपीटी टाइप का बता रहे हो, तो आई थिंक मैं तुम्हें बताऊं अगर इसको टैक्टिकली गेम और बोर्ड में अगर दिखाऊं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं तो इसको शॉर्ट रखता हूं क्योंकि मैचेस रोज़ होते हैं यहाँ पर, तो इन दी एंड टैक्टिकल एनालिसिस इसमें हम ज़्यादा घुस नहीं सकते क्योंकि मुझे रिप्ले देखना ज़रूरी है भाई, मतलब रिप्ले मतलब तुम्हें पता है लिवरपूल कैसे खेलती है, तुम्हें पता है क्या कहते हैं बाइन मिनट कैसे खेलती है, तो तुम मैच इसके डाउनलोड भी कर सकते हो और तुम काफ़ी टैक्टिकल एनालिसिस दिख भी जाता है ट्विटर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख पाता इन लो इन टीम का, तो तुम्हें इसके मैचेस डाउनलोड करने पड़ते हैं जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है भाई, रिप्ले भी नहीं आ पा रहा है, तो ये होता तो मैं हर मैच की वीडियो की टैक्टिकल एनालिसिस कर लेता बट ये हो नहीं पाता है, तो डैट्स द रीज़न कि भाई इतना डिटेल में नहीं जा पाता है इन ISL की वीडियोज़ पे लाइक और डिटेल में कैसे कैसे जाया जाए इस पर। बाय द वे ये डेटा जो होता जा रहा है तो उसको न्यूमेरिकल वे में मैं कैसे दिखाऊं कि तुम प्लेयर्स कंपेयर कर सकते हो, वो भाई सब कुछ रेडी है, कुछ ब्रेक आने दो तो मैं बताऊंगा, एक ISL का ब्रेक आने दो तुम देखोगे भाई लाइक जो रेडार चार्ट्स होते हैं सर्कल वाले वो तुम्हें मैं तुम्हें जैसे अभी ये स्क्रीन पे आ रहा होगा तो वैसे दिखाऊंगा, तो anyway, चलते हैं आज की वीडियो में, ग्रेट गेम बेटर देन yesterday एंड लेट्स फुटबॉल इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट दो, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडियन फुटबॉल ही बनाता रहूँगा भाई, यूरोपियन फुटबॉल मैं बनाऊँगा, बस मुझे एक बढ़िया सा टॉपिक नहीं मिल रहा है खैर टॉपिक ये है कि चेल्सी गोल क्यों नहीं मार पाती, खैर उसने ब्राइटन को हरा दिया है, बट लेट्स सी क्या होता है, एनीवे बाय।